हाय फ्रेंड्स, लिनक्स बाइनरी एक्सप्लोइटेशन के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टैक ओवरफ्लोस को समझेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टैक किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है किसी भी प्रोग्राम का। ये मैं मान लेता हूँ कि मेरा पिछले फंक्शन का स्टैक फ्रेम है और यहाँ पर मेरा करंट फंक्शन का स्टैक फ्रेम बिल्डअप हुआ है, जिसमें EBP पुश हुआ है, रिटर्न एड्रेस सेव हुआ है और जो भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो ही हैं। अब इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने एक इस फंक्शन में, मान लीजिए मैंने एक कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है 100 bytes का, तो हमें देखना है कि कैरेक्टर एरे किस तरह से स्टोर होता है। तो अगर ये मेरे कैरेक्टर एरे का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे उस कैरेक्टर एरे CH का पहला बाइट स्टोर होगा, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और ये ऊपर की साइड इंक्रीज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस हमेशा ऊपर की साइड होता है। हाईएस्ट मेमोरी ऊपर की साइड होती है, इसलिए CH0 से लेके CH99 तक स्टैक में इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। इसी पिक्चर को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे EBP है पिछले फ्रेम का और EBP के ठीक ऊपर रिटर्न एड्रेस है और यहाँ पे कुछ कुछ पैडिंग हो रखी है जो कि कंपाइलर ने की है, और इस पैडिंग के ठीक नीचे मेरा बफर स्टोर हो रहा है। बफर का 0th byte यहाँ है और 99th byte यहाँ है। अब आपको सोचना है कि सी कभी भी बाउंड चेक नहीं करता है, मतलब अगर आप इस कैरेक्टर एरे CH में 100 bytes से ज़्यादा का डेटा डाल देते हैं तो वो बाइट्स ओवरराइट होना स्टार्ट होंगी। और अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ कि वो बाइट्स यहाँ से ओवरराइट होंगी, यहाँ से ओवरराइट होके वो ऊपर की तरफ जाएंगी और अल्टीमेटली हो सकता है कि वो रिटर्न एड्रेस को चेंज कर दें। तो अगर मेन ने फू को कॉल किया था तो फू की प्रोसेसिंग होने के बाद हमें पता है कि रिटर्न एड्रेस मेन में वापस ले जाता है, पर सिंस रिटर्न एड्रेस चेंज हो चुका है, टैम्पर्ड हो चुका है, ये फू मेन में रिटर्न नहीं करेगा और कुछ रैंडम लोकेशन पे रिटर्न करेगा, और इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टैक। तो मैंने क्या किया, मैंने बफर में कुछ एक्स्ट्रा डेटा डाल के रिटर्न एड्रेस को चेंज किया और रिटर्न एड्रेस चेंज करने की वजह से मेरा फंक्शन का कंट्रोल फ्लो चेंज हो गया। और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि अर्ली 90s में लोगों ने ऑब्जर्व किया था, और इसके बाद इसके काफ़ी प्रोटेक्शन स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रोटेक्शन स्कीम्स देखते हैं, कौन कौन से प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, और आगे के लेक्चर में हम वो प्रोटेक्शन स्कीम्स को डिसेबल्ड अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहली प्रोटेक्शन स्कीम है ASLR। इस प्रोटेक्शन स्कीम में एड्रेस स्पेस का जो लेआउट है वो रैंडमाइज होता है, मतलब कि हमें ये पता है कि मेमोरी में एक प्रोग्राम में ऊपर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, उसके बाद स्टैक है, फिर हीप है और बाकी कंपोनेंट्स हैं। तो इस लेआउट रैंडमाइजेशन में इनका जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी EN एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इस लोकेशन पे, मान लीजिए FF एड्रेस पे हैं, ये एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस 32 बिट का होगा, और मैं इस कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए छोटा एड्रेस ले रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि अगली बार आपका ENV यहाँ पे ख़त्म हो रहे हो, मान लीजिए F0 पे। इसी तरीके से स्टैक शायद E1 से स्टार्ट हो रही हो, और ऐसा हो सकता है कि अगले रन में जब मैं नेक्स्ट रन करूँगा प्रोग्राम का, सो ये F0 की जगह पे F2 पे स्टार्ट हो और ये E1 की जगह पे E2 पे स्टार्ट हो। तो ये जो लेआउट आप देख रहे हैं, मतलब स्टैक कभी भी ऊपर नीचे कुछ बाइट्स ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, इस तरीके से हीप कुछ बाइट ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकती है, इसको बोलते हैं ASLR। और इसको डिसेबल करने की कमांड मैंने अपने हैंडआउट्स में दे रखी है। दूसरा है स्टैक कैनरीज। देखिए, हमें पता है कि सी बाउंड चेक नहीं करेगा, और अगर कोई बाउंड चेक नहीं होगा तो कोई भी बफर ओवरफ्लो करके रिटर्न एड्रेस को चेंज कर सकता है। ये आपका स्टैक है और ये आपका बफर है। बफर में EBP स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे वो कैनरी इंसर्ट हो जाती हैं, जिसे कंपाइलर इंसर्ट करता है, और कंपाइलर जब भी बफर ओवरफ्लो होता है तो कंट्रोल रिटर्न करने से पहले देखता है कि कैनरी की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं। तो अगर कैनरी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट थ्रो कर देता है, क्योंकि
क्योंकि उससे मुझे पता लग रहा है कि बफर ओवरफ्लो हुआ है और कैनरी की वैल्यू किसी ने हैम्पर कर दी है, और बफर ओवरफ्लो डिटेक्ट हो जाता है और सेगमेंटेशन फॉल्ट थ्रो होके कंट्रोल आगे नहीं जाता है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग ये दोनों स्टैक प्रोटेक्शंस को डिसेबल अज्यूम करेंगे, और स्टैक कैनरी को डिसेबल करने के लिए आप जीसीसी में किसी भी बाइनरी कंपाइल करते टाइम ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं, नो स्टैक प्रोटेक्टर, और इससे आपकी कैनरीज डिसेबल हो जाएंगी। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये मेरा मेन फंक्शन है, इस मेन में एक वेरिएबल है और यहाँ पे मैंने एक बफर ले रखा है कैरेक्टर टाइप का और इसका वैल्यू है 10। यहाँ पे मैं स्कैनफ करा रहा हूँ और उसके ठीक बाद यहाँ पे चेक करा रहा हूँ इफ़ x इज़ इक्वल टू 10 देन प्रिंट वाओ। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें एक बफर है और एक वेरिएबल है और मुझे उस बफर से एक ओवरफ्लो करके इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि जब इस वेरिएबल की वैल्यू 10 होगी तभी मेरा प्रिंट एफ वाओ प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि इसका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगा। ये मेन का स्टैक फ्रेम है शायद, और इस मेन के स्टैक फ्रेम में यहाँ पे एक वेरिएबल होगा x नाम का और उसी के ठीक नीचे होगा मेरा एक बफर 10 बाइट का। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है इस x का है वैल्यू 4 बाइट, क्योंकि ये इंटीजर है और 32 बिट सिस्टम में इंटीजर का साइज 4 बाइट का होता है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एक इनपुट देता हूँ जिसमें 10 बार a प्रिंट हो और उसके ठीक बाद एक 10 वैल्यू जाए, वो 10 इस x को ओवरराइड कर देगी 10 से, जब भी x इक्वल टू 10 चेक होगा वो कंडीशन ट्रू होगी और वो वाओ प्रिंट कर देगा। पर अब अगला क्वेश्चन ये है कि मैं इसको एक 10 वैल्यू कैसे दूंगा। तो अगर आपको वो चीज़ समझनी है तो उसके लिए प्लीज़ अगले लेक्चर का इंतज़ार करें, क्योंकि अगले लेक्चर में आपको इस सारे कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो अभी हमने एक प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो चेंज किया एक वेरिएबल को वैल्यू को चेंज करके, और वो हमने किया बफर ओवरफ्लो से। अब हम वेरिएबल को यूज़ ना करके रिटर्न एड्रेस को ओवरराइड करेंगे और प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से स्टैक पे वापस आते हैं। ये हमारा स्टैक है, इस स्टैक में यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है, ईबीपी पैडिंग, और यहाँ पे आपका बफर है, और मैं मानता हूँ कि कंट्रोल फ्लो मेन से फू के पास है। तो सबसे पहले मुझे इस बफर की लेंथ निकालनी होगी, और बफर की लेंथ निकालना मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक असेंबली को देख के बफर की लेंथ निकालते हैं। तो मैं मानता हूँ अभी के लिए कि बफर की लेंथ 10 है, और इस पैडिंग की लेंथ हम अगले लेक्चर में ये भी देखेंगे इस पैडिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, और अभी के लिए मैं इसको 4 बाइट मानता हूँ। मुझे पता है ईबीपी एक 32 बिट इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू जो कि 4 बाइट लंबा होगा, और ऊपर रिटर्न एड्रेस वो भी 4 बाइट का होगा। तो अब मुझे जो एक्सप्लॉइट करने के लिए पेलोड बनाना है उसकी लेंथ कम से कम 10 प्लस 4 प्लस 4 और लास्ट में रिटर्न एड्रेस होना चाहिए। तो अभी के लिए मेरी लेंथ हुई 10 प्लस 4 14 प्लस 18। तो मैं इस तरह का इनपुट देके रिटर्न एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ, और इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि BBBB मेरा क्या होगा, एक रिटर्न एड्रेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि BBBB कोई वैलिड रिटर्न एड्रेस नहीं है, तो जब भी प्रोग्राम उस रिटर्न एड्रेस पर रिटर्न करेगा तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट थ्रो करेगा, क्योंकि ये कोई वैलिड एड्रेस नहीं है। अब हमारे इस बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन कोर्स का टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम किसी भी वीकनेस को एक्सप्लॉयट करके शेल को स्पैन कर सकें, और उस शेल को स्पॉन करने के लिए हमें सबसे पहली बात बफर ओवरफ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ शेल कोड्स को समझना होगा। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो मैं बफर ओवरफ्लोज की हेल्प से शेल को स्पॉन कर सकता हूँ एक गिवन प्रोग्राम से। पर उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम देखते हैं कि शेल कोड्स क्या चीज़ है, और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं हम शेल कोड इंजेक्शन। अब मैंने अगर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन एग्जैक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है एग्जैक बिन sh, तो जो लोग लाइनक्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि ये एक शेल स्पॉन करेगा, और उस शेल के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप उस शेल से एग्जिट करेंगे फिर आपका कंट्रोल इस फंक्शन के पास आएगा, और फंक्शन में सिंस एग्जैक के आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो एग्जिट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम का अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में एक कोड देखता हूँ तो उसमें एक फंक्शन होगा मेन करके
और उस मेन में कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, पर उस मेन फंक्शन के अलावा भी ऊपर नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बिन एस एच को इन्वोक कर रहा है। पर देखने की बात ये है कि जो सारा का सारा बिन एस एच इन्वोकेशन का काम है वो आपके मेन के अंदर हो रहा है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस पूरे प्रोग्राम का काम इस छोटे से मेन फंक्शन के अंदर डाल दूँ असेंबली लैंग्वेज में ही, और उसका मशीन लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो असेंबली लैंग्वेज का एक कोड बनेगा जो कि एग्जैक्ट कॉल करेगा बिन एस एच के साथ में और शेल स्पॉन करेगा। पर वो कोड में ये सब बाकी के फंक्शंस नहीं होंगे और उसे मैं कहीं भी एज अ प्लगेबल कोड यूज़ कर सकता हूँ, और इसी चीज़ को बोलते हैं शेल कोड्स। आपके पास शेल कोड्स किसी भी फंक्शन का आप लिख सकते हैं, और शेल कोड लिखना खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको मैं अभी के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, शायद आने वाले सीरीज़ में उसे डिस्कस करूँगा। और मैंने अपने लेक्चर हैंडआउट्स में एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरह से शेल कोड्स को लिख सकते हैं एग्जैक्ट बिन एस एच के लिए, ज़्यादा डिटेल में ना जाके। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टैक। एग्जीक्यूटेबल स्टैक का मतलब होता है कि अगर आप स्टैक में कोई इंस्ट्रक्शन पुश करते हैं तो वो एग्जीक्यूट कर जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पुश किया लेट अस से मूव का, और मूव का इंस्ट्रक्शन है 0x61 इंस्ट्रक्शन कोड, और मूव का इंस्ट्रक्शन 0x61 है। तो अगर वो मैंने स्टैक पे पुश कर दिया है और किसी तरीके से, मुझे नहीं पता, पर किसी तरीके से अगर मैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को स्टैक पे ले आता हूँ, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आंखें बंद करके जो स्टैक पे लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ऑल दो स्टैक में कभी एग्जीक्यूट करने लायक कोड नहीं होना चाहिए, बट फिर भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उसे आंखें बंद करके एग्जीक्यूट कर देगा, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टैक। अब मैं तीन चीज़ें अज्यूम करूँगा कि मेरे पास शेल कोड है बिन एस एच का जो कि शेल स्पॉन लेके आता है और ये आपको नेट पे इजीली मिल सकता है। दूसरा मैं अज्यूम करूँगा कि मेरे पास ASLR ऑफ है, और तीसरी चीज़ मैं अज्यूम करूँगा कि स्टैक एग्जीक्यूटेबल है। और आप देखेंगे कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के कारण मैं किस तरह से जो पिछला प्रोग्राम है उसमें से शेल स्पॉन करके लाता हूँ। आइए फिर से हम स्टैक पे जाते हैं और जो काम हम भी हमने देखा है उसको एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। ये मेरा स्टैक है, ये मेरा EBP है पिछले फ्रेम का, ये मेरा रिटर्न एड्रेस है, और यहाँ पे मेरा बफर है। अब अगर मैं बफर में शेल कोड डाल देता हूँ, इस डायरेक्शन में मैंने शेल कोड डाल दिया बफर में, शेल कोड डालने के बाद मैंने गार्बेज डाल दिया EBP में AAAA, और रिटर्न एड्रेस को बफर का एड्रेस दे दिया। रिटर्न एड्रेस में मैंने बफर का स्टार्टिंग एड्रेस डाल दिया, तो जब वो कंट्रोल यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ से वैल्यू उठाएगा तो वो पिछले फंक्शन में ना जाके वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के हेल्प से बफर के स्टार्टिंग में जाएगा। और बफर के स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि शेल कोड रखा हुआ है, तो उस शेल कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही शेल कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें पता है कि उसने बिन एस एच को स्पॉन कर देना है। तो जैसे ही ये शेल कोड एग्जीक्यूट होगा मेरे पास शेल स्पॉन हो जाएगी, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट। और इस तरीके से मैंने बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट कर दिया, जिसमें मैंने रिटर्न एड्रेस को चेंज करके बफर का स्टार्टिंग एड्रेस दिया, और बफर में क्योंकि शेल कोड रखा हुआ था तो उसने शेल कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, और जैसे ही शेल कोड एग्जीक्यूट हुआ आपने शेल स्पॉन कर ली। पर इस चीज़ में हमने तीन चीज़ें अज्यूम करी थी, जैसे कि हमने बताया था ASLR ऑफ था, दूसरा स्टैक एग्जीक्यूटेबल था, और तीसरा आपके पास शेल कोड था। तो ये हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है एक्सप्लॉइट को समझने के लिए कि एक्सप्लॉइट इस तरह से किया जा सकता है प्रोग्राम को, पर हमने इसका प्रैक्टिकल या फिर डेमो नहीं देखा है। तो अगले लेक्चर में मैं इसका डेमो दिखाऊंगा आपको, और इस डेमो में हम दो काम करेंगे, एक वेरिएबल को अपडेट करेंगे, दूसरा सीखेंगे कि अगर आपके पास असेंबली लैंग्वेज कोड है उसमें से बफर का एड्रेस कैसे निकालेंगे, और उसी असेंबली लैंग्वेज कोड से बफर की लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इस एरिया में पैडिंग हो रही है, तो उस पैडिंग की लेंथ कितनी है, या वो 4 byte की है, वो 8 byte की है, वो निकालेंगे असेंबली लैंग्वेज को कोड्स को देख के, और फिर कंट्रोल फ्लो चेंज करके हम शेल कोड इंजेक्ट करेंगे। तो तब तक के लिए सेकेंड लेक्चर का वेट करें, और जो मैंने इस पूरे लेक्चर में बताया है उसको अच्छे से मेमोराइज करें, क्योंकि आपको स्टैक ऑर्गेनाइजेशन समझने की बहुत ज़रूरत है अगर आप रियल एक्सप्लॉइट्स करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में। हम आने वाले लेक्चर में ASLR को ऑन करके भी बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट करेंगे,
जिससे कि हम लोग शेल्स स्पॉन कर पाएं। पर अगले लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा एक डेमो के थ्रू कि ये सब कैसे होता है। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो सीरीज़ को प्रमोट करें सो दैट ये टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सके। थैंक यू।